हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इन 1866 अल्फ्रेड नोबेल, ए स्वेडिश केमिस्ट, इंट्रोड्यूस्ड ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन दैट कुड बी हैंडल्ड सेफली। 1866 में अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन का परिचय करवाया जिसको आसानी से हाथ पर रख सकते थे। ही कॉल्ड इट डायनामाइट। बाद में उन्होंने उसे नाम दिया डायनामाइट का। इन 1875 ही वेंट ऑन इन्वेंट प्लेगनाइट। 1875 में उन्होंने प्लेगनाइट का आविष्कार किया। दीज एक्सप्लोसिव्स वर यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बट दे ऑल्सो हैज एन ऑबवियस मिलिट्री एप्लीकेशन। ये विस्फोटक अभियांत्रिकी क्रियाकलापों में प्रयोग किए जाते हैं और सेना के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। एज ए कमिटेड पेसिफिस्ट, एक शांति शास्त्री के रूप में, नोबेल होप्ड दैट हिज एक्सप्लोसिव्स वुड प्रोवाइड सच ए डिटरेंट टू वॉर। अल्फ्रेड नोबेल ने आशा की थी कि उनके जो विस्फोटक हैं एक प्रकार से जंग को रोकेंगे, दैट दे वुड ब्रिंग पीस टू मैनकाइंड, और मानव समुदाय में शांति लेकर आएंगे। हिज इन्वेंशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस। उनके आविष्कार कोई शांति लेकर नहीं आए। बट दे डिड ब्रिंग हिम मैसिव फॉर्च्यून, बल्कि उनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य जैसा लेकर आ गए। भाग्य नहीं रहा, मतलब बुरा रहा वो। विच ही यूज इन हिज विल टू एंडो द नोबेल प्राइजेस अवार्डेड टू दोज हू हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड इन फाइव कैटेगरीज। जिसको उन्होंने छोड़ दिया, नोबेल प्राइज उन्हें पुरस्कृत किया गया, तो उसे उन्हें छोड़ दिया इतना बड़ा आविष्कार करने के लिए। तो उन्हें कहा कि पांच कैटेगरी में जो लोग प्रयास करेंगे उन्हें प्राइज दिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि नोबेल प्राइज जब मिलता है तो नोबेल प्राइज के लिए 32 लाख यूरो डॉलर उस समय उन्हें मिले थे, लेकिन बम फटने लगे, लोग मरने लगे, तो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। तो वो स्वीडन की बैंक में जमा है। जो लोग पांच क्षेत्रों में प्रयास करते हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। ही लेफ्ट 32 लाख यूरो डॉलर इन हिज विल टू फाइनेंस प्राइजेस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। उन्होंने आर्थिक जो कीमत की जो मतलब पुरस्कार था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और शारीरिक शास्त्र में और चिकित्सा में, शांति साहित्य में, इन पांच क्षेत्रों में जो प्रयास करेगा उसे ये पुरस्कार मिलता है और मिलेगा, उन्होंने कहा। द बैंक ऑफ स्वीडन इनॉग्रेटेड न्यू नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। स्वीडन की बैंक ने नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में देना शुरू किया 1969 में। और 1903 मतलब 1903 में पहली बार किसको मिला? मैरी क्यूरी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। पहली महिला बनी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। शेयरिंग विद हिज हस्बैंड, बिठर हस्बैंड, अपने पति के साथ जो उन्होंने शेयर किया, एक साथ उन्होंने मिला था। तो ये पैसेज हो गया। आप क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं Thank you, students.